आज स्टार्ट करने जा रहा है, ये मेजर स्केल में कोई गाना बजाना हो तो इसमें सरगम कैसे बजेगी ये देखिए। जैसे सारे मीन्स जब सरगम बजती है तो कॉर्ड भी चेंज होते हैं। अगर इस साइड सा बजता है, रे गा बजता है या पा बजता है तो कॉर्ड नहीं चेंज होगा आपका इन तीन नोट के लिए। अच्छा सा के बाद रे आगा, रे के लिए हमें लगाना नी नी रे पा, मतलब नी हमारा डी शार्प है, एफ शार्प रे, पा हमारा बी, तीनों को मिला के बनता है बी मेजर कॉर्ड, मतलब नी रे पा सेकंड, पहला सा गा पा दूसरा नी रे पा। ये कब लगाना है, जब इधर रे लगे या नी सुध लगे। अब सा गा पा के लिए बताया था सा गा पा के लिए ये कॉर्ड, अब रह गए दो नोट मा और धा। मा धा के लिए कॉम्बिनेशन सा मा धा आएगा, सा मा धा, सा मा धा, अगर इधर मा आया या धा आया तो ये लगेगा। अब इसको सरगम कैसे अप्लाई करना है, सा के लिए सागा पा, इसको बोलेंगे टोनिक, रे के लिए डोमिनेंट मीन्स बी मेजर, गा के लिए सागा पा ई मेजर टोनिक, मा के लिए सा मा धा, इसको सब डोमिनेंट बोलेंगे, सा के लिए फिर दोबारा सागा पा, धा के लिए सा मा धा ए मेजर, नी के लिए नी रबा बी मेजर, सा के लिए फिर वही सागा पा ई मेजर। शॉर्टकट में बताता हूं आपको, सागा पा के लिए ई मेजर और नी रे के लिए बी मेजर डोमिनेट शॉर्टकट, और मा धा इधर आए तो सा मा धा ए मेजर। अब ये सरगम कैसे आपने प्रैक्टिस करनी है, ई मेजर रे बी मेजर, गा पे ई मेजर, मा पे ए मेजर, पा पे ई मेजर, धा पे ए मेजर, नी पे नी रे पा, सा पे ई। ऐसा जब सॉन्ग स्केल में ई मेजर में बजाएंगे तो ऐसे कॉर्ड अप्लाई होंगे, जैसे या एक प्यार गा पे स्टे आ गया, कोई चेंज नहीं हुआ गा पे, कोई नहीं चेंज हुआ वो जो की। एग्जांपल दे रहा हूं कॉर्ड जिंदगी और ये नी शुद्ध आ गया, इसके लिए नी रे पा आएगा बी मेजर, नहीं पे आ गया धा, ये मा धा सा मा धा ए मेजर आया, गा पे फिर वापस, तो इस तरह कॉर्ड चेंज होते हैं। अगर इसी के लिए मेरे सर्कल में हजारों गाने हैं तो आप से आज से सरगम स्टार्ट कर दीजिए शॉर्टकट में, सारे मतलब सरगम को कॉर्ड के साथ गा सबसे पहले आपको ये याद करने है रोज, सी शार्प डी शार्प एफ शार्प जी शार्प ए शार्प, ये पांच काले सेम है नाम, सेम नाम है सेम, ये रोज आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ये था आपका सरगम बजाने कॉर्ड के साथ कैसे ई मेजर स्केल में। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए और लेके आऊंगा और कॉर्ड्स के बारे में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ, गुड बाय।